ये आप मान लीजिए, राइट। तो ये फ्रीक्वेंसी के कारण हम दूसरों के मन में क्या डालना है वो भेज सकते हैं। जैसे मान लो मेरा मेरा बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं, और मैं लगातार, या उसकी माँ या उसके घर, हमारे घर में सारे लोग यही बोलते हैं कि पढ़ाई में अच्छा नहीं है, कमजोर है, पढ़ाई में अच्छा नहीं है, कमजोर है। तो ये फ्रीक्वेंसी उस बच्चे के मन में कौन सी फ्रीक्वेंसी जाएगी? निगेटिव फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी जाएगी कि मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूं, 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 राइट। तो हमें कैसा फ्रीक्वेंसी यूज करना चाहिए ये साथ जानने की जरूरत है, ये समझने की जरूरत है। अगर बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो मुझे जो चाहिए, मैं रियलिटी में क्या है उसके बारे में ना सोचूं, लेकिन जो मुझे चाहिए वो सोचूं, तो मेरे बच्चे के को वो फ्रीक्वेंसी मिलेगी। तो मुझे क्या सोचना चाहिए? मुझे मुझे क्या चाहिए? कि मेरा बच्चा पढ़ाई में अच्छा हो। तो मुझे ये सोचना है कि मेरा बच्चा पढ़ाई में अच्छा हो रहा है या अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। मैं सोचता हूं, मेरी पत्नी सोचती है, मेरे घर के और भी लोग सोचते हैं, तो घर में एक माहौल बनेगा कि ये पढ़ाई में अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, और ये फ्रीक्वेंसी उस बच्चे को जाएगी और वो पढ़ाई में धीरे धीरे ही सही लेकिन अच्छा होने लगेगा, राइट। तो मैं कैसे शब्दों का उपयोग अपने घर में कर रहा हूं, अपने वर्क प्लेस में कर रहा हूं, अपने समाज में कर रहा हूं, ये बहुत मायने रखता है, राइट। तो अगर मुझे अपने परमात्मा से शक्ति लेनी है, जो आज आत्मा कमजोर हो गई है, तो कैसे उनसे कनेक्ट होना पड़ेगा, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, राइट। तो अगर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर बहुत गुस्सा है, राइट, तो गुस्सा क्यों है? अगर मैं लगातार गुस्से का ही प्रैक्टिस कर रहा हूं, इसका मतलब मैं अशांत हूं, मैं शांति ढूंढ रहा हूं, तो मुझे गुस्सा क्यों आता है, ये मुझे जानना पड़ेगा। और जो व्यक्ति ज्यादा गुस्सा कर रहा है, और ऐसे ऐसे व्यक्ति को कौन पसंद करेगा, किस घर में पसंद किया जाएगा, किस कम्युनिटी में पसंद किया जाएगा? जो व्यक्ति अपशब्द बोलने के आदि है, अपवित्र शब्दों का उपयोग करने का आदि है, उसे कौन से घर में पसंद किया जाएगा, कौन से कम्युनिटी में पसंद किया जाएगा? अगर कोई लीडर आता है, हमारा पूरा बिजनेस लीडरशिप का, राइट। और ये सातों गुण जो मैं चाहता हूं, अगर मैं प्रेम चाहता हूं, तो मुझे तो अपना प्रेम वाला भाव ही प्रकट करना पड़ेगा ना। अगर मुझे, मैं किसी को प्रेम, किसी से प्रेम पाना चाहता हूं, तो मुझे प्रेम देना पड़ेगा। और अगर मैं नफरत देता हूं, मैं और प्रेम की उम्मीद करता हूं, तो मैं तो अपना समय और सब कुछ बर्बाद कर रहा हूं, राइट। दोस्तों, मैं ये आपको इसलिए इस बात को लेके आया हूं क्योंकि एस मुफारिस सर को मैंने लाइव सुना है, और वो बोलते हैं कि मुझे, मेरे अंदर किसी सुपर पावर की ताकत है, बैकअप है, राइट। और वो तीन पावर बताए, एक सुपर पावर का, दूसरा टेक टीम का, और तीसरा हम फाउंडर्स का। तो जब वो व्यक्ति जो अलग कम्युनिटी से आते हैं और बोल रहे हैं कि मुझे किसी शक्ति का, मेरे अंदर मुझे सपोर्ट है, इसलिए मैं ये सब काम कर पा रहा हूं, तो मुझे मानने में क्या तकलीफ है, क्या तकलीफ है? मुझे मानना ही पड़ेगा कि किसी व्यक्ति के अंदर सुपर पावर का सपोर्ट है, इसलिए वो बड़ा काम कर पा रहे हैं, वो मान रहे हैं, इसलिए आज 5.5 साल से लगातार वो काम कर रहे हैं, और हम लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, बड़ा ही होते जा रहे हैं। जो एक्टिव है उनको पता है, लेकिन जो एक्टिव नहीं है, और जो कस्टमर जो आने वाले हैं, उनको बिल्कुल भी पता नहीं। उनको पता कराने की जिम्मेदारी किसकी होगी? हमारी होगी। हम छोटा सा,
मतलब हम कर कुछ नहीं रहे, हमारा कोई योगदान नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लेट और हो जा रहा है तो हम ऐसे बवाल खड़ा कर देते हैं जिसका ठिकाना नहीं है। क्या लिख रहे हैं हम, क्या बोल रहे हैं हम, होश आवास में नहीं रहते, इतने कमजोर हो चुके हैं। तो हम जिस कम्युनिटी में है, अनप्रेसिव के जिस कम्युनिटी में है, उसमें हमें भागीदारी बननी पड़ेगी, हम भागीदारी बढ़ानी पड़ेगी। एस मुफारे सर के हाथ में हाथ दे के उनका हौसला अफजाई करना पड़ेगा, तब जाके हम उनके लिए काम के होंगे, राइट। तो जब एस मुफारे सर मान रहे हैं कि कोई सुपर पावर है और वो मदर टेरेसा जैसे लीडर्स की जरूरत है उनको बोल रहे हैं, तो ये हमें समझने की जरूरत है, हमें किस लेवल तक अपनी पर्सनालिटी को बदलनी पड़ेगी, ये हमें जानना ही पड़ेगा, जिन्हें आन पैसियों में सही में अपने जीवन को सार्थक करना है। और सिर्फ पैसे को लेकर आप खुश हो रहे हैं तो ये बहुत बड़ी गलती, मैं अभी भी दावे से बोल सकता हूं। पैसा सिर्फ एक माध्यम होगा जो आपके अंदर जो गुण होंगे उसे उभार के लाएगा, जो अवगुण होगा उसे भी उभार के लाएगा। आप सतर्क रहें, पैसे में ताकत नहीं है दोस्तों, ताकत आपकी सोच में, आपके संस्कार में, आत्मा के उन संस्कारों में, राइट। तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आप परमात्मा को याद करेंगे तो उनसे वो फ्रीक्वेंसी मिलेगी, आप बात कर सकते हैं। मैं बात करता हूं, रोज रात को बात करके सोता हूं। जो अनिल डेढ़ साल पहले आन पैसे में आने के पहले था, वो अनिल आज बदल गया और बदल रहा है रोज। मेरी शक्तियां बढ़ रही है ऐसा मुझे महसूस होता है, मैं और कन्विक्शन के साथ बात कर पा रहा हूं। राइट, तो हमें परमात्मा से रोज बात करनी होगी। जो परमात्मा ये बोलता है, जो हर धर्म को स्वीकार है वो परमात्मा है। ये लंबा विषय, मैं इसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन सभी आत्माएं जब कभी भी उनको ग्रेटिट्यूड या आभार प्रकट करना रहता है, उनके जीवन में अच्छा होता है या कुछ प्रार्थना करते हैं, तो वो ऊपर ही देखते हैं। क्यों आजू बाजू क्यों नहीं देखते कि एक धर्म वाला आजू में देखे, दूसरा धर्म वाला बाजू में देखे, सब ऊपर ही देखते हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा एक है और वो ऊपर है, सबसे ऊपर है, निराकार, पॉइंट ऑफ लाइट है, अजन्मन। इसमें और भी बातें हो सकती, लेकिन आज हम आत्माओं को अपनी शक्ति बढ़ाने की जरूरत है और एक साथ चलने की जरूरत है, इसलिए इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी आने वाले समय में। हर देश जहां पे अनपैसिव है, वहां पर अलग अलग कम्युनिटी के लोग यही बात कर रहे हैं, एक ही बात कर रहे हैं, ये एक परमात्मा है जिसके गाइडेंस से हम चल रहे हैं, राइट। तो जिसको आप याद करेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी आपके अंदर आएगी। अगर आप नेगेटिव पर्सन को याद करेंगे तो आपको उसकी फ्रीक्वेंसी मिलेगी आपको, क्यों नहीं मिलेगी आपको? आप देख के देखिए, आप किसके बारे में ज्यादा सोचते हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी वैसी मिलेगी आपको। कैसे विचार ज्यादा करते हैं आप, कैसे लोगों के बीच में रहते हैं, ऑन पैसिव में आप कैसे लोगों को सुन रहे हैं। वैसे बहुत से नेगेटिव लोग हैं जिनको लोग सुन रहे हैं, यूट्यूबर्स हैं जिनको लोग सुन रहे हैं और वैसी बात करते हैं। मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं, वो सिर्फ इसलिए कॉल करते हैं कि उनको कुछ मैं आश्वासन दे दूं कि कब तक आ जाएगा और कैसा हो जाएगा। इतनी कमजोर, अपने आप को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं अकेले। भाई आप अच्छे लोगों के बीच में रहिए, अच्छा लीडर्स को सुनिए आपको, और पेशेंस रखिए। आप क्या कर सकते हैं उस पर ध्यान दीजिए, जो आपके कंट्रोल पे है उस पर ध्यान दीजिए, जो आपके कंट्रोल में नहीं है उस पर आप परेशान होते हैं। अरे भाई, जिसका कंट्रोल में आन पैसिव है वो तो काम कर ही रहे हैं, 24 घंटे काम कर रहे हैं, चाहे एस मुफारे सर को ले लीजिए, चाहे उनके टेक टीम को ले लीजिए, चाहे वर्ल्ड के बड़े बड़े लीडर्स हैं, अपने अपने लेवल में सब काम कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? सिर्फ निगेटिव होके बैठे हुए हो बस। मुझे पता है अभी मुझे जितने भी लोग सुन रहे हैं, बाद में सुनेंगे, वो निगेटिव लोग नहीं, वो पॉजिटिव लोग हैं, लेकिन जो निगेटिव लोग हैं वो आपके द्वारा ही पॉजिटिव होने वाले हैं।
राइट, इसलिए हमारी जिम्मेदारी अब बढ़ जाती है। तो दोस्तों, इन सभी हम सभी आत्माओं का एक ही पिता है, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, और परमात्मा एक होता है, वो बहुत सारे नहीं होते, राइट। तो परमात्मा जो है पवित्रता के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, सुख के सागर हैं, शांति के सागर हैं, शक्ति के सागर हैं, तो थैंक यू दोस्तों, आपने मुझे ध्यान से सुना, मैं शायद अपनी बात को रख पाया हूं। आपको रोज रात को उनसे बात करके ही सोना है, उनको दोस्त बनाना है, परमपिता परमात्मा को, तब आपके अंदर एनर्जी आएगी। आप करके तो देखिए, आप जिनको मानते हो उनको मानिए, और बात करके रोज करके अपनी जितनी भी तकलीफ है उनको बता के सो के सोइए, और सुबह उठ के देखिए आपको कैसा फील होता है, राइट। तो जैसे जैसे आप इसके उपयोग करेंगे आपको एनर्जी मिलती चली जाएगी, राइट। तो मैं शेयरिंग स्टॉप करता हूं और वापस से मैं होस्ट सर के पास चलता हूं, आलम सर के पास। तो थैंक यू सो वेरी मच, आपने मुझे ध्यान से सुना, शायद मैं अपनी बात रख पाया हूं, और अगर आप अपनी बात रखना चाहते हैं तो स्वागत है आपका, मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप फीडबैक देंगे तो हैंड रेस करके, राइट। हो सर तो अपने लेवल से किसी को बुला के बात करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अनिल वर्मा जी दुर्ग जिला छत्तीसगढ़ से हैं, माइंडसेट के प्रोग्राम पे आज सेशन दे रहे थे, और माइंडसेट के प्रोग्राम पे वो कह रहे हैं कि शायद मैं अपनी बात रख पाया हूँ। बिल्कुल रख पाए हैं सर, आपने बात बिल्कुल रख दिया है, और बात जो अब तक जो लोग नहीं समझ पाए हैं वो समझने की कोशिश करें, चेष्टा करें, ट्राई करें, उनको करना है, नहीं करेंगे तो फिर बात दूसरी हो जाएगी। बहुत सारे उदाहरण आपने दिए, जिसमें मुझे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट उदाहरण मुझे फ्रीक्वेंसी का लगा। इसको मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं कि ये फ्रीक्वेंसी जो है ये एक तरह का स्पिरिचुअल फ्रीक्वेंसी हो जाता है। जब आप परमात्मा की बात कर रहे हैं तो परमात्मा आपके अंतरात्मा से कनेक्ट